हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल उत्तर प्रदेश में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने रियलमी C33 के फ़ोन में रिंगटोन चेंज कैसे करेंगे। अगर आपने कोई रिंगटोन डाउनलोड की है अपने जो फ़ोन में, अगर उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग अपने फ़ोन में अप्लाई कर सकते हैं। और जो फ़ोन के अंदर डिफ़ॉल्ट रिंगटोन रहती हैं प्रोवाइड कराई हुई, अगर उनको अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन करना होगा। तो चलिए हम सेटिंग ओपन कर लेते हैं। सेटिंग ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, आपको थोड़ा नीचे आना होगा। साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं वॉल्यूम जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, रिंगटोन का वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, अलार्म का वॉल्यूम आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलता है रिंगटोन का, यहाँ आप देख सकते हैं नीचे। इस रिंगटोन के ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे सेलेक्ट फ्रॉम फाइल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप अपने जो डाउनलोड किए हैं फाइल उसमें से अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट रिंगटोन रहती है फ़ोन की तरफ से प्रोवाइड कराई हुई, इनमें से आप लोग जिस पर क्लिक कर देंगे और बैक आ जाएंगे और रिंगटोन आपके फ़ोन में सेट हो जाएगी। इसके लिए आपको कुछ भी यहाँ पे सेव वगैरह करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ उस रिंगटोन पर क्लिक कर देना वो फाइल और रिंगटोन सेट हो जाएगी। ऊपर देख सकते हैं सेलेक्ट फ्रॉम फाइल है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके फ़ोन के गैलरी में है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जितना भी सॉरी जो है ऑडियो है यहाँ पे दिखाई देता है, जिसको भी लगाना है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और बैक आ जाइए और रिंगटोन आपके फ़ोन में सेट हो जाती है। वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।